हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आपका PGIMR चंडीगढ़ में आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं काफ़ी सारी, तो इन वैकेंसीज के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट अगर आपको देखना है, डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर जाकर और प्रॉपरली इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसको हम शॉर्ट समरी करके एक बार समझ लेते हैं कि मेन इसमें क्या क्या है। ओके, तो इसको देखते हैं। जो आपका ये पोस्ट है, आपकी 223 जो पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं PGI सैटेलाइट सेंटर के लिए, जो कि संगरूर पंजाब में है। और आपका PGIMR चंडीगढ़ में आपकी कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, 33 पोस्ट निकाली गई हैं आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। ओके, तो काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई हैं आपकी नर्सिंग के लिए, काफ़ी सारी पोस्ट हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, इनके लिए पोस्ट काफ़ी सारी निकाली गई हैं। ओके, जो इसकी एप्लीकेशन जो सबमिट करने की डेट होगी वो 1 तारीख है। 1 तारीख से आपके फॉर्म जो होंगे वो फिलअप होना चालू हो जाएंगे। और इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 28 तारीख होगी। 28 तारीख से पहले पहले आपको जो फॉर्म होगा वो सबमिट करना होगा। इसके बाद आके इस कितने के लिए क्या कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, नर्सिंग ऑफिसर जो हैं उनके लिए आपकी 195 पोस्ट है। तो नर्सिंग की काफ़ी सारी पोस्ट इसमें निकाली गई हैं, 195 पोस्ट हैं। और आपके फिजिकली हैंडीकैप के लिए 4 पोस्ट अलग से रखी गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड SC ST सबके लिए अलग अलग आपका दे रखा है। ओके, ऐसे ही हमारा आपके लैब टेक्नीशियन जो है, जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल 10 पोस्ट निकाली गई हैं और 1 पोस्ट आपके फिजिकली हैंडीकैप के लिए निकाली गई है। ओके, ऐसे ही इतने सारी जो आपके हैं ग्रुप A, B और C के लिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम सबसे पहले नर्सिंग का देख लेते हैं। तो नर्सिंग वालों को क्या चाहिए एलिजिबिलिटी में, BSc नर्सिंग चाहिए या फिर आपका जो GNM है, आपका जो GNM होगा उसके साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो इसका जो पे स्केल है वो पे स्केल काफ़ी अच्छा पे स्केल है इसका। और एज जो होगी वो 18 से 35 साल मांगी गई है इसमें। आगे हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। तो लैब टेक्नीशियन के लिए डायरेक्ट आपको BSc MLT की डिग्री चाहिए। ओके, और इसका जो एज होगा वो 18 से 30 साल है और लेवल 6 का पे स्केल है। काफ़ी अच्छा पे स्केल दे रखा है इसमें अभी। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं, ये सारे आपके डिटेल्स हैं, एब्रीवेशन है, इसको फॉर्म का पूरा पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। आगे हम इसकी एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो इन सबका आपका एज रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST OBC PWBD में, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन जो पेपर होगा वो ग्रुप ए वालों का जो होगा उसमें 85 नंबर के MCQs होंगे और 85 नंबर का आपका 85 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा, 85 मार्क्स का होगा। और इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। और ग्रुप बी और सी के लिए, यानी कि जो आपके नर्सिंग है, लैब टेक्नीशियन है, उनके लिए 100 नंबर का डायरेक्ट पेपर होगा, पेपर में पास तो आपका डायरेक्ट ड्यूटी। ओके, और आपको क्वालिफिकेशन के लिए कितना चाहिए, 40% मार्क्स आपको चाहिए होगा। और आपका 35% मार्क्स जो चाहिए होगा वो SC ST OBC के लिए चाहिए। ओके, और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 40% है ही। और जो टेस्ट होगा आपको कैसा होगा, पेपर नहीं मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, इंग्लिश में होगा, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ओके, 0.25 के नंबर की मार्किंग होगी नेगेटिव में। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके का होगा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। शॉर्टलिस्ट अगर आप हो जाते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको इसमें दे रखी हैं, इसको आप डिटेल करके पढ़ लीजिएगा। आगे हम इसकी बात करें तो आपके जो सिटीज़ होंगी, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, तो ये सारी एग्जामिनेशन की सिटीज़ हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो आपके जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे, जब भी फॉर्म फिल करेंगे, 1 तारीख से फॉर्म फिल करना चालू हो जाएंगे, तो मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आपका जो भी आपका सिटी होगी उसको आप नियर बाय करके भर लेंगे। ओके, और सिलेबस आपका जो होगा वो नॉर्मल होगा। तो ये छोटी सी डिटेल थी। अगर आपको इस फॉर्म के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप PDF डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।